नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं 99 सब्लिमेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मालूम है और पता है कि 99 सब्लिमेशन टेक्नोलॉजिकल प्रिंटिंग स्टार्टअप्स में भारत का नंबर वन ब्रांड है और 2012 से हम काम कर रहे हैं। 2012 से 2021, 9 साल से हम भारत में नंबर वन ब्रांड पर टिके हुए हैं और आज के डेट में हम दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद चारों राज्यों में हमारे ऑफिसेस हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक मग को प्रिंट किया जाता है और उसके लिए कौन सी मशीन हम यूज करते हैं और उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में मग प्रिंटिंग के लिए लोग अलग अलग तरीके की मशीन सेल करते हैं, लेकिन हमारा जो मशीन है ये मार्केट की मशीनरी से किस तरीके से अलग है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ विश्लेषण करूंगा। तो सबसे पहले आज हम उस मग मशीन को देखते हैं जिसमें हम आज मग प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इस मग मशीन की जो खासियत यह है कि इसका जो कलर, ये कलर है रेड कलर का, और इसकी खासियत यह है कि ये एक हैवी ड्यूटी मग हीट प्रेस है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है और इसमें एक मग प्रिंट करने के लिए 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट में जो मग प्रिंट करेंगे उसके लिए हमने सबसे पहले कुछ डिजाइन आपको दिखाऊंगा, इस तरीके के डिजाइन जो हमने रेडी किया मग प्रिंट करने के लिए, और इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड डिजाइंस। कस्टमाइज्ड डिजाइंस मतलब कुछ फोटो प्रिंटिंग वाले जो मग्स होते हैं उस मग को हम कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग मग्स बोलते हैं। जैसा इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ काफी सारा मग्स जो है प्रिंट करके रखा हुआ है। इस तरीके से फोटो प्रिंटिंग हो सकता है या फिर डिजाइन प्रिंट हो सकता है या फिर कोई कैप्शन प्रिंट हो सकता है, मतलब कोई भी चीज जो आपके जहन में आ रहा होगा, जो आपके मन में आ रहा होगा, उस चीज को, अपना क्रिएटिविटी को आप इस मग में प्रिंट करके दिखा सकते हो। ये वो मग है। तो इस मग का साइज क्या है, इसको हम बोलते हैं 11 ओंज मग, और इसकी क्वालिटी जो है प्रीमियम क्वालिटी होती है। अब हम इस मशीन में इस मग को प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए मैं सीनियर ट्रेनर सतीश को बुलाऊंगा। सतीश आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से जो है मग को प्रिंट करना है और कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा। तो इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूंगा आप मग मशीन को दिखाइए प्रॉपरली, और इस वक्त सतीश के हाथ में देखिए मग है और डिजाइन भी उन्होंने रैप जो डिजाइन रेडी किया हुआ है, और उसके बाद जो है उनके हाथ में मग है और इसके ऊपर वो कंटिन्यू 6 मग्स आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वक्त हम कैमरा को दूसरी साइड चलते हैं, तब तक यहाँ मग प्रिंटिंग हो रहा, मैं दूसरी फेस से जो आपको वीडियो में बने रहूंगा और कैमरामैन से कहूंगा कैमरा इसी के ऊपर दिखाए मग के ऊपर, ताकि उनको प्रिंटिंग जो है समझ में आए। तो इस वक्त आप देख सकते हो मग प्रिंटिंग जो है काफी बड़ा बिजनेस है मार्केट में। आपको लगता है कि इस बिजनेस को आपको स्टार्टअप करना है तो आपको सीधा सा एक ही काम करना है, 99 सब्लिमेशन वीडियोस में जाइए और टाइटल पर जो नंबर दिया हुआ होता है उस नंबर पर कॉल करिए। और यहां देखिए मग के ऊपर डिजाइन रैप कर दिया गया है, उसको सिंपली जो है इस मग मशीन में इस तरीके से रख दिया जाता है और इस तरीके से लॉक करने के बाद जो है रैप, देखिए सिंपली है ऐसा लॉक करना है, उसके बाद जो है बस इस तरीके से आप लॉक कर दोगे और ऑटोमेटिकली आपका टाइमर ऑन हो चुका है। देख सकते हो आप, इस मशीन की खासियत यह है कि नॉर्मल मशीन्स, मार्केट वाली मशीन्स में दिक्कत क्या है, उसमें आपको 300 डिग्री जाना पड़ता है, लेकिन यहां यह है कि 200 डिग्री और 2 मिनट में मग प्रिंट होता है, और इसकी खासियत यह है कि यह टाइमर पूरी तरीके से सेटेड रहता है। तो इस वक्त हम बात करेंगे अगर इस मग प्रिंटिंग बिजनेस को स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है। दोस्तों मैं बता दूं, मग प्रिंटिंग बिजनेस बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में देख सकते हो। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा कैमरा यहां घुमा दे ताकि जो है मैं व्यूअर्स से बात कर सकूं। तो इस वक्त आप देख सकते हो मग प्रिंटिंग हो रहा है, तो मग प्रिंटिंग जब चलता है तो उस बीच हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। दोस्तों बता दूं मग प्रिंटिंग बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया या आपके घर में कॉफी हो गया, आप घर में सुबह उठ के कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, या फिर होटल इंडस्ट्री में जाते हो वहां भी कॉफी और चाय पीते हो, कोई भी चीज के लिए मग तो कंपलसरी है। तो इसके ऊपर जो है आप अपना इमेज खुद का प्रिंट करके आप कॉफी या चाय जो है पी सकते हो। इस तरीके से मग्स जो है ब्रांडिंग किया हुआ होता है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जब जाओगे आप अपना ऑर्डर लेके, जब आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारा ऑर्डर्स वहां से मिलता है। इसका पूरा प्रोसेस क्या क्या लगेगा एक मग प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, सबसे पहले आपको लगती है इस मशीन,
इसके साथ आपको लेना पड़ता है एक प्रिंटर, इसके साथ सब्लिमेशन वाटरप्रूफ इंक, इसके साथ सब्लिमेशन क्यूटीपी पेपर, इसके साथ सब्लिमेशन टेप और इसके साथ रॉ मटेरियल मक्स। अब मक्स की बात करें तो 11 ओंज होता है, 12 ओंज होता है, 6 ओजेड, 11 ओजेड, 12 ओजेड, 15 ओजेड, 17 ओजेड, 19 ओजेड, कोनिकल मक्स, बहुत सारे मक्स के शेप्स रहते हैं, शेप्स के अकॉर्डिंग मक का अटैचमेंट रहता है। तो शुरुआत आप 11 ओजेड मक्स से कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा काम आपको करना है, हमारे एक्सपर्ट्स चार राज्यों में बैठे हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोई भी ऑफिस में आप विजिट कर सकते हो। अब ऑफिसर्स का एड्रेस की बात करें तो हैदराबाद की जो ऑफिस है वो है आपको एसआर नगर, अमीरपेट, उमेश चंद्र स्टैच्यू के पास हैदराबाद की ऑफिस। दिल्ली की जो ऑफिस है वो है दिल्ली द्वारका सेक्टर 7, और चेन्नई की जो ऑफिस है मिलेनियम टावर्स के पास है। उसके बाद जो हमारा कोलकाता का ऑफिस है दैट इज नियर बाय गरिया हाट। तो चारों ऑफिस में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो आपको पूरी तरीके से राय देंगे कि इस बिजनेस को वाकई में कैसा स्टार्टअप करना है। वहां जो लोग बैठे हैं उनकी जो टीम है उनके साथ जो लोग है ये एक्सपर्ट्स है। इसी बीच एक बीप साउंड आ रहा है वीडियो में, बीप साउंड का मतलब है मग पूरी तरीके से प्रिंट हो चुका है। कैमरा मैन से मैं कहूंगा पूरा फोकस मग के ऊपर किया जाए क्योंकि इस वक्त मग प्रिंट हो चुका है। और आप देखिए मग प्रिंट होने के बाद पेपर मेरे हाथ में आ जाएगा ताकि मैं आपको पेपर दिखा सकूं, और सतीश जी आपको प्रॉपर जो है ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है मग प्रिंट हुआ है। और देख सकते हो, सबसे पहले देखो एक बहुत खासियत बात यह है कि मग का जो डिजाइन है पूरी तरीके से प्रिंट हो चुका है। और यह सबसे बड़ी खासियत यह है कि देखो क्वालिटी देखो आप, क्योंकि क्वालिटी को आज तक हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी। ये क्वालिटी देखो आप, एज टू एज मार्क प्रिंटिंग है और इसकी क्वालिटी देखो, पूरा पेपर ट्रांसफर हो चुका है 100%। अब मैं आपको 6 मग एक साथ करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों इस वक्त बात करते हैं पूरी बिजनेस की। अब आपको 6 मग वन बाय वन दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि 99 सब्लिमेशन 2012 का ब्रांड आपके शहर में आपको लाना चाहते हो, इस ब्रांड को आप अपनी सिटी में आप हमारे साथ ब्रांड पार्टनर बन के लॉन्च करना चाहते हो, तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। अब इसमें क्या क्या होगा देखिए, दूसरा मग भी रेडी हो चुका है। इसी वीडियो में आपको मैं 6 मग प्रिंट करके दिखा रहा हूं कस्टमाइजेशन। तो इस वक्त जो है मैं आपको मग प्रिंटिंग के बीच में, मग प्रिंटिंग चलता रहेगा और बीच में मैं आपसे बात करूंगा 99 सब्लिमेशन की, स्टार्टअप्स की, रिटेल स्टोर मॉडल की। दोस्तों आपको बता दूं रिटेल स्टोर मॉडल जो है बहुत पुराना मॉडल है, सदियों से इस मार्केट में लोग जो है काफी लोग आए, काफी लोग गए, काफी लोग रहे हैं। तो हम 99 सब्लिमेशन, हमारा उद्देश्य और सिद्धांत और मकसद क्या है? 99 सब्लिमेशन का उद्देश्य यह है और मकसद यह, सिद्धांत यह है कि पूरे भारत में हम फर्स्ट फेज में 501 रिटेल स्टोर्स का एक प्लानिंग लेके चल रहे हैं। रिटेल स्टोर्स मॉडल में कोई भी हमारा ब्रांड पार्टनर बन सकता है, किसी के पास एग्जिस्टिंग अगर सब्लिमेशन इंडस्ट्री में बंदा काम कर रहा है उनसे भी हम मिलके, उनके साथ भी हम मिलके ब्रांडिंग कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूं देखिए, आज मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है इस वीडियो के जरिए। जो बुद्धिमान लोग हैं, इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जो जिन लोगों के अंदर थोड़ा फास्टली आईक्यू रहता है, जो समझ सकते हैं चीजों को, वो क्या करते हैं जब चेंज आता है ना कोई भी चेंज, तो वो पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट देखो, रियल एस्टेट देखो, जब घर से कम 100 किलोमीटर दूर कोई प्रोजेक्ट बनाता था रियल एस्टेट में, तो उस वक्त क्या होता था, जो बुद्धिमान लोग थे वो वहां कम से कम 1000 गज, 5000 गज, 3000 गज, 1000 गज, 2000 गज वैसा लेके रख लिए थे, क्योंकि उनको मालूम था अगले 5 साल बाद ये जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका 10 गुना मुझे रिटर्न आने वाला है। सेम थिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यहाँ जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कुशंस है, अब कुशंस में यहाँ आपको दिख रहा होगा मल्टीपल टाइप्स ऑफ कुशंस है, इसमें 100 टाइप्स ऑफ कुशंस है, और सिर्फ वाटर बॉटल है, स्कूल के वाटर बॉटल है, सिपर बॉटल है, स्पोर्ट्स बॉटल है, अवार्ड्स है, ग्लास फ्रेम्स है। उसके बाद ये अवार्ड्स याद रखना, ये रिकॉग्नाइज अवार्ड है, जो आदमी मेहनत करके अपने दम पर कोई चीज बनाता है तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये किसने रिकॉग्नाइज किया, ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। इसी बीच देखिए बीप साउंड आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि ये ब्रांड सब हमने ऑनलाइन में दिया था। 2012 से हम ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस रखा है, अमेजोन हो, अमेजोन में भी हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो इस बीच अवार्ड्स के बाद में आता हूं टाइल्स के ऊपर, टाइल्स के बाद में सीधा आपको ग्लास फ्रेम्स का रुख करवाता हूं, ग्लास फ्रेम्स के बाद यहाँ स्टोन्स है,
काफी सारा प्रोडक्ट है जो आप कर सकते हो। इस बीच देखिए मग मेरे हाथ में आ चुका है और मैं काफी ध्यान से इसको रैप को निकालूंगा ताकि कहीं मेरा हाथ भी ना जले। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 200 डिग्री सोच सकते हो आप, 40 डिग्री धूप में आप नहीं रह सकते हो। मैं 200 डिग्री में हाथ लगा रहा हूं आपके लिए फ्रेंड्स, आपके लिए। मैं नॉर्मली हाथ नहीं लगाता 200 डिग्री में, आप सोचो ये आपके लिए करता हूं क्योंकि आपको, आपके साथ हमें मिलकर काम करना है। ये देखो इस वक्त ये डिजाइन देखो, ये क्रिएटिविटी देखो, दिस इज कॉल्ड, यही होता है क्रिएटिविटी। इसमें देखो यहां एक फूल है, इसमें देखो इसका कलर देखो, एक क्लासी कलर जो बोलते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड्स का जो कलर होता है, वो कलर हमने यूज किया है इसमें। अब मैं हर चीज आपको दिखाऊंगा फिर फाइनली लास्ट में 6 मग एक साथ। तो यहां इस वक्त मैं इसको, इसी पेपर को इसमें रख दूंगा। तो मैं बात कर रहा था 99 सब्लिमेशन रिटेल स्टोर मॉडल की। 99 रिटेल स्टोर मॉडल जो है मार्केट के रिटेल स्टोर मॉडल से, फ्रेंचाइजी मॉडल से अलग क्यों है? इसमें तीन चीजों को हमने काट दिया है। सबसे पहला हमने क्या किया, हमने बोला कि 99 सब्लिमेशन का जो बंदा रिटेल स्टोर लेता है उनके पास हम कोई भी उनको फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेंगे। दूसरा, हम 99 सब्लिमेशन ब्रांड फीस नहीं लेंगे। तीसरा जो है, हम शेयर में से कोई पैसा नहीं लेंगे। ये मॉडल्स में सबसे, इस मॉडल की खासियत यह है कि रॉयल्टी इनकम को भी हमने काट दिया, क्योंकि मार्केट में कोई भी ब्रांड जब आप लेने जाते हो तो उस ब्रांड का सीधा फोकस रहता है कि आपका इनकम में से जनरेट करके उनको इनकम दिया जाए। लेकिन 99 सप्लीमेंटेशन का उद्देश्य, मकसद सीधा है कि आपका मेहनत का पैसा आपके अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि 99 सप्लीमेंटेशन के अकाउंट में आना चाहिए। इसलिए पूरे भारत में देखो, भारत की जनसंख्या की बात करें तो 137 करोड़ लोग, उसमें से हमने बोला 2012 से हम काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को काम सिखाया है। तो अब हमने बोला कि 137 करोड़ लोगों में से सिर्फ 500 लोगों को हमने अपना स्टोर पार्टनर, ब्रांड पार्टनर, जो हमारे साथ आगे जाके एक लेवल पे काम करेगा, उनको हम जोड़ रहे हैं। हो सकता है रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वही लोग इस बिजनेस में आके जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ये कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री का है। कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आप जूता पहनते हो, जूता के ऊपर सोच लो आपका नाम है, कुछ भी आपका नाम है, आपका नाम सोच लो सतीश है, तो अब आपका नाम क्या होगा? जूता आप पहनते हो, जूता के ऊपर क्या होता था पहले? कोई भी ब्रांड लिखा रहता था, कोई भी ब्रांड, चलो हम एडिडास की ब्रांड बात करते हैं, तो एडिडास के ऊपर क्या होता, अभी एक फैशन हो गया लोगों में सतीश करके आएगा। क्यों? लोगों के अंदर कस्टमाइजेशन का चलन बढ़ चुका है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सुबह से रात तक जो भी सामान यूज करे वो अपना खुद का फोटो लगा के यूज करते। इस वक्त देखो तीसरा मग आपको मैं कंटिन्यू, मग्स का एक वीडियो है, ये काफी बड़ा वीडियो है, बहुत सारे मग्स हैं, तो मैं आपको इस वीडियो को सिर्फ 6 ही मग आपको इसमें दिखाऊंगा। देखो बेस्ट कपल, इस तरीके से डिजाइन हम आपको फ्री में स्टार्टअप के लिए देते हैं। और ये देखो पेपर का चीज, देखो पेपर पूरी तरीके से खत्म हो गया, पेपर के अंदर का, आज पेपर के अंदर का जो मतलब डिजाइन है पूरा ट्रांसफर हो जाता है 100%। तो मैं आपसे बात कर रहा था चैलेंज जो है 99 सब्लिमेशन का उद्देश्य, और आप 137 करोड़ लोगों में से सिर्फ 501 ऐसे पीपल जो हमसे जुड़ रहे हैं उनमें से, मैं आपको बता दूं 501 स्टोर्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें 44 पीपल हमें साइन अप कर चुके हैं। मैं कोई भी आदमी का नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूं, किसी का फोन नंबर भी नहीं बता रहा हूं, ना किसी स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम, क्योंकि हम फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी पे, हम बातें नहीं बेचते, हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी जिसको भारत में हम 9 साल से लीड कर रहे हैं। और ना कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, ना कोई हमारा कॉम्पिटिटर था, ना कोई हमारा कॉम्पिटिटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स है उनके अंदर एक जुनून है, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि जिस तरीके से हम नंबर 1 पर लीड कर रहे हैं उसी तरीके से हम लीड करें, और एक से क्रिएटिविटी हम आगे भी प्रोडक्ट लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये नंबर 1 पर बना हुआ है 99 सब्लिमेशन टेक्नोलॉजिकल प्रिंटिंग स्टार्टअप्स के स्टार्टअप्स में, क्योंकि हमने हर दिन हम आपको वीडियो इसलिए देते हैं क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखो, बहुत कुछ जानो, आप पैसा कमाओ, आपका घर सुधरे और स्टार्टअप्स की एक लहर दौड़े। जिस तरीके से 2014 के बाद गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया स्टार्टअप्स को, उसी तरीके से और आगे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करते 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 2040 तक इंडिया एक नंबर 1 कंट्री बन जाएगा स्टार्टअप्स में। तो आज सोचो आप कि आपका लेवल कहां रहेगा उस वक्त, जिस तरीके से
आज से 20 साल पहले स्टॉक मार्केट के अंदर जिनको ज्ञान था वो बंदा उस समय इन्वेस्टमेंट किया था। तो आपके माइंड में ये मेकअप करना, आपको ये समझना है अगर आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे टेक्नोलॉजिकल कस्टमाइजेशन प्रिंटिंग में, हो सकता है कहीं ना कहीं 10 साल बाद 20 इयर्स बाद आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क रह जाए कि उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। कोई भी फील्ड में जो बंदा कंप्यूटर लॉन्च होते वक्त सीखा था वही बंदा गेनर है, बाकी सब तो फॉलोवर है भाई। दुनिया का हर काम में फॉलोवर रहेगा, अब कुछ भी करो फॉलोवर तो आपके पीछे पड़े ही रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त आएंगे जब पूरा खत्म हो जाएगा। और 99 सब्लिमेशन का जो प्रोडक्ट है देखो, क्वालिटी देखो, यही क्वालिटी के मैं बात कर रहा हूं। ये एज टू एज प्रिंटिंग है और इसमें देखो कितना बड़ा कोलाज बना हुआ, देखो 1 2 3 4 8 है ना, 8 है देखो। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी भाई। सब एक बात याद रखना, क्रिएटिविटी पैसा से नहीं आता है, क्रिएटिविटी दिल से आता है, क्रिएटिविटी पैशन के साथ आता है। ये चीज हम सिखाते हैं आपको, हम ना ट्रेनिंग का फीस लेते हैं, ना ये डिजाइन सिखाने का पैसा लेते हैं, ना मशीन ठीक करना कैसा है सिखाते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे ये पैसा आपकी मेहनत का है। इसी बीच हम बात कर रहे थे 99 सब्लिमेशन रिटेल स्टोर मॉडल्स की। रिटेल स्टोर मॉडल्स में पूरे भारत में 501 पीपल को हम लॉन्चिंग कर रहे हैं फर्स्ट फेज में। 44 स्टोर साइन अप हो चुका है, 44 पीपल्स रेडी है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हमारा फर्स्ट स्टोर लॉन्चिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसी बीच मैं बता दूं, लगभग आपको मालूम होगा 2 हफ्ते हमने वीडियो नहीं बनाया है, 2 हफ्ते कुछ काम था हमारा, बैकएंड में काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है, इस कारण से हमने वीडियो नहीं बनाया है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमें इतना ज्यादा प्यार दिए हैं, आप लोगों ने हमें बनाया था नंबर वन, हम नंबर वन पर लगे रहने के लिए हम आपके साथ कंटिन्यू लाइफ टाइम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा और यूनिक टू यूनिक प्रोडक्ट्स आपके लिए कंटिन्यू लाऊंगा। हो सकता है हमारा 2 हफ्ता का वीडियो जो है नहीं आया, इसके लिए आपको दिल से माफी चाहता हूं। मैं क्यों वीडियो नहीं आया, बैकएंड में जो टीम बैठी है कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग को लेकर बात चल रहा था, तो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे कुछ यूनिक। और हम आपको क्या देते हैं, देखिए आप जब हमसे जुड़ते हो हम आपको 99 सब्लिमेशन का 2012 का ब्रांड दे रहे हैं, 9 साल। आपको मालूम होगा एक ब्रांड को पॉपुलर होने में कितना टाइम लगता है, कोई भी चीज हो। एक छोटा सा ये प्लेन पेपर है, ये पेपर को पॉपुलर होने के लिए कितना समय लगेगा आप बताओ, जब इसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा इट विल टेक टाइम। सेम थिंग, एक ब्रांड को पॉपुलर होने में काफी टाइम लगता है, इस ब्रांड को पॉपुलर होने में 9 साल लग गया था, 9 साल से हम नंबर वन पर लीड है, वो ब्रांड आपके शहर में आपके घर तक पहुंच चुका है। आज आपको डिसाइड करना है आप लोगे ये अपॉर्चुनिटी बगल वाले को दे दोगे, क्योंकि दुनिया का जो भी अच्छा काम होता है ज्ञानी लोग कैप्च कर लेते हैं, फॉलोवर जो खड़े होकर हाथ ऐसा फोल्ड करके देखते रहते हैं, क्योंकि हर चीज में ये होता है। इस वक्त देखो मक्स कंटिन्यू प्रिंट हो रहा है, और ये देखो ये भी मक्स प्रिंट हो चुका है, और इसमें भी देखो 100% जो है ट्रांसफर हो गया, ये भी बेस्ट कपल का ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री काफी बड़ा है, और कस्टमाइजेशन में आपको हम मल्टीपल प्रोडक्ट देंगे, जैसा कि टी शर्ट्स। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा टी शर्ट्स दिखा दे, इस वक्त टी शर्ट्स जो आप देख सकते हो ये काफी सारे टी शर्ट्स है यहाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ। कैमरा को स्टैंड में लगा के खाली ऊपर का रोटेटिंग करने से हो जाएगा लगता है, इस वक्त देख सकते हो आप, बस उसी से तो आपका काम हो जाएगा, बस आपको घूमना नहीं। ये देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक है यहाँ, ये पूरा प्योर कॉटन है, 100% कॉटन के ऊपर डॉटनेट प्रिंटिंग है, उसके बाद जो है आपका फॉइल प्रिंटिंग है, विनाइल है, और उसके बाद डीटीजी बेस है, ग्लिटर है, और ये डीटीजी बेस है, ये भी डीटीजी बेस है, इतने तरीके का प्रिंटिंग है। तो दोस्तों इसके साथ देखो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट की कीमत की बात करें इस बिजनेस में 300% प्रॉफिट मार्जिन गारंटी के साथ है। यहां देख सकते हो कुशन, 150 का कुशन है, 10 रुपए का प्रिंटिंग कॉस्ट 350 में आप बेच सकते हो। मैं अगर प्रोडक्ट की बात करें, कैलकुलेशन ऑन टेबल जब बात करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन 200-300% रहेगा। एक सिंपल सा बात करेंगे मोबाइल कवर की, और एक बात आप बता देना मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, को सब्लिमेशन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या रहना आप बताना, आप वीडियो जो है आपका मन पसंद का आने वाला है, क्योंकि अब तक हम वो वीडियो ला रहे थे
जो प्रोडक्ट हम कंटिन्यू बना रहे थे रिसर्च करके, अब जनता की राय हमें चाहिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। इस वक्त लास्ट एंड फाइनल मग है और ये मग कंप्लीट होने वाला है। इस वक्त मैं कुछ फ्रेम्स भी आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो ये फ्रेम्स है यहाँ, इसी फ्रेम्स, इस वक्त जो है फ्रेम्स है काफी सारे यहाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स है यहाँ, कीचेन्स है और एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये कान का झुमका है। हाँ वो भी दिखाता हूँ, ये कान का झुमका है, ये आईडी कार्ड है, ये गले में लैनियार्ड है, ये फ्रस मैग्नेट है, ये कीचेन्स है, कीचेन में डिफरेंट डिफरेंट शेप है, ये मैग्नेटिक कीचेन्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, अगर आपका शादी हो चुका है तो आपकी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हो या इसका बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आप एंगेजमेंट करना है किसी को, आपकी गर्लफ्रेंड को एंगेज करना है, तो ये रिंग इसके ऊपर फोटो प्रिंट करके अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस में कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्री है। और मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ मग्स दिखाया था, फिर से मैं कैमरामैन को कहूंगा ये मग्स को प्रॉपरली क्लोज करें। हाँ एकदम प्रॉपर ये हुआ है, एक प्रॉपर तरीके से क्लोजअप करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिद्धांत और मकसद एक ही है। और इस वक्त फाइनल मग हो चुका है, फाइनल मग होने के बाद दिखाता हूं, देखो आप, मैं 6 मग एक साथ एक ऐसा प्लेस में रख रहा हूं जहां कैमरामैन को इजी हो जाए, वो कॉर्नर में रख देने से 6 मग बेटर रहेगा, और उसके बाद ये 6 मग का एक प्रॉपर वीडियो में कवर हो जाएगा जैसा लग रहा है मुझे। दो दो मग उठा लो, और 6 मग का जो सिस्टम है आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, 6 मग प्रॉपर हैंडल्स, हाँ ऐसा लगा दो ताकि दिखे 6 मग, छह मग जितने तरीके से बनाया गया आप देख लेना, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। टाइम ज्यादा नहीं लगा है एग्जैक्टली, मैं बता दूं सिर्फ एक मग बनाने के लिए 2 मिनट का समय लगा है, मतलब एक मग अगर 2 मिनट में बनेगा तो 6 मग 12 मिनट में बनेगा, राइट? 1 मिनट 20 सेकंड सॉरी, एक मग 1 मिनट 20 सेकंड में बना है, 120 सेकंड में ना, ये देख सकते हो आप। कैमरामैन से कहूंगा एक जबरदस्त क्लोजअप एकदम नजदीक ले जाए, एकदम हाँ नजदीक ले जाए, हाँ एकदम हाँ देख सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। हाँ जूम करके क्लोज करते रहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ देख सकते हो आप। इस तरीके से मग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो 99 सब्लिमेशन को स्टार्टअप से जुड़े रहिए, और इस वक्त इस वीडियो को यहां से एंड करेंगे। इस वक्त 99 सब्लिमेशन स्टूडियो दिल्ली से मैं आपके साथ जुड़ा था, और आपको ऑफिसेज विजिट करने हैं तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, 4 राज्यों में आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था, फिर आपके साथ मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, सत्यमेव जयते।